ये लोगों में धारणा है कि जो खेलते हैं वो पढ़ते नहीं है, पढ़ने में उनको कोई इंटरव्यूची नहीं होती, बस मैदान में खेलते रहते हैं। जी सर, कुछ लोग तो मानते हैं बड़े गैर जिम्मेवार होते हैं, और आप दोनों ऐसे हैं कि आप PhD कर रहे हैं, इसने IAS कर दिया। जी सर, ये तो आप बहुत बड़ी प्रेरणा दे सकते हैं आप देश के नौजवानों को। जी सर, बस सर स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई भी चल रही थी, तो इससे एक फायदा ये होता है कि हमें डिस्ट्रक्शन कम होती है, खाब जैसे ही हम स्पोर्ट्स से फ्री होते हैं तो रेस्ट भी कर लेते हैं, और साथ में हमारा समय खराब नहीं होता, हम खाली और दिमाग ज़्यादा भटकता नहीं है इन चीज़ों से, क्योंकि बिजी रहता है। आपने और भी खिलाड़ियों को भी देखा, उनका ऑब्जर्व किया होगा, उनकी टेक्निक ऑब्जर्व की होगी, क्योंकि खेलने के लिए जाते हैं लेकिन बाकी समय सीखते भी हैं औरों को कैसे खेलते हैं क्या करते हैं, तो आपने भी बहुत कुछ सीखा सर। बाकी खिलाड़ियों से सर हमने ये सीखा है कि पहले जितने भी कंपटीशन खेले दिमाग में कंपटीशन का डर ये सब रहता था, लेकिन इस बार का जो मेरा परफॉर्मेंस रहा, मैं समझता हूँ कि अब तक का सबसे बेस्ट रहा। मेरे दिल में कोई डर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, मेरा हर एक तीर मुझे पता था कहाँ लग रहा है। सर बचपन में सर हम दूरदर्शन में सर हम होंगे कामयाब देखते थे सर, क्योंकि मेरी शिक्षा सर गांव से शुरू हुई थी, 3 बार सर मुझे स्कूल वालों ने एडमिशन नहीं दी थी, और ज़िंदगी की सफ़र ने सर आज पैरालंपिक में मेडल दिखा के आपके बगल में बैठने का सौभाग्य दिलाया है सर, जो मेरे लिए पैरालंपिक मेडल से कम नहीं है, और मैं भगवान को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। मेरे स्वर्गीय पिताजी कहा करते थे स्कूल में अभी सीट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तुम जिंदगी में कुछ करके दिखाना, मुझे लगता है सर ऊपर से वो जब मेरे बगल में जब आप बैठे हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सर उनको खुशी मिल रही होगी। मैं इसको ज़िंदगी के बहुत ही मेरी भाग्यशाली दिन मानता हूँ सर। और 2018 में सर जैसे सर आपने कहा कि आग लगी रहनी चाहिए, कि एशियन पैरा गेम्स में क्वार्टर फाइनल में सर इंडोनेशिया के खिलाड़ी से मैं हार गया था, तो एक मेडल छूट गई थी। इस बार सर सेमीफाइनल में वही खिलाड़ी मुझे मिला, और मेडल और भी मेडल के बीच में वही खिलाड़ी खड़ा था। और सर आपने कहा था जाने से पहले कि आप मत सोचना कि सामने कौन है, आप अपनी बेस्ट देना आपकी प्रेरणा थी सर, और भाग्य मेरे साथ था सर आपके सामने सर ये प्रदर्शित करने का मौका मिला है सर। सोने से थोड़ा कम चुक गया सर, बट मैं वाकई में सर सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। अपने पराक्रम से अपने पुरुषार्थ के कारण है यहाँ है, किसी की कृपा से नहीं है सर। बट जो प्रेरणा आपने दी है सर सारे खिलाड़ियों के लिए और मेरे लिए भी, वो बहुत ही हम सौभाग्यशाली महसूस करते हैं सर। जैसे और खिलाड़ियों ने भी कहा सर कि वहाँ जब बात करते थे, जब आपने सर हम लोगों से बात की, और लोगों को वहाँ जो ऑफिशियल्स होते थे, वॉलेंटियर्स होते थे, उनको विश्वास नहीं होता था कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हमसे बात कर रहे हैं। वाकई में सर हम बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं सर। इन दिनों पूरे देश का माहौल बदल दिया है हम लोगों ने। आपको तो लगता होगा कि मैं एक मैदान में किसी एक को हराता हूँ, ऐसा नहीं, आपने हारी हुई मानसिकता को हरा दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं मानता हूँ कि हमें जीतना भी है और हार को हराना भी है, हार को हराने का मूड हमेशा बना रहना चाहिए।